हेलो स्टूडेंट, मैं अतुल राजपूत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे थे और इंटीग्रेशन में अब तक हम लोग 30 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लेक्चर नंबर 31 स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट देखो, लास्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे 7K, और 7K में हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1/√ में 2 + x - 3x² और dx इज 20। ये क्वेश्चन लिखा हमारे पास, तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो, इसको हम थोड़ा अरेंज करके लिख देते हैं। ठीक है, अंडर रूट में इसको लिखेंगे 2 - ठीक है, इसको लिखेंगे 3x², इसको नहीं थोड़ा ऐसे लिखते हैं। ठीक है, एक मिनट, इसको यहाँ से हम लोग माइनस के देखो 3x² और प्लस के x और प्लस का 2 ऐसे लिख देते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब देखो क्या करना है। सबसे पहला काम तुम्हारा कि x² का गुणांक 1 बनाओ। ठीक है, तो x² गुणांक देखो 1 कैसे बनाएंगे, तो यहाँ से 3 को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ से 3 को हम लोग बाहर निकालेंगे, और स्टूडेंट देखो याद रखना माइनस नहीं लेना है बाहर, ओनली 3 बाहर निकालना है। तो 3 जैसे ही बाहर निकालेंगे तो 1/√3 बाहर आ जाएगा, और सॉरी यहाँ पे dx/, ये आएगा देखो अंडर रूट में माइनस के x² प्लस के x/3 प्लस के 2/3, ये आएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब क्या करना है देखो, यहाँ पे हम लोग 1/√3 बाहर निकाल लेते हैं, ये जगह देखो dx/ अंडर रूट के अंदर। ठीक है, ये आएगा हमारे पास, इसको यहाँ से माइनस कॉमन ले लो। ठीक है, माइनस कॉमन ले लो, देखो क्या हो जाएगा x² और माइनस का हो जाएगा हमारे पास x/3 और प्लस के 2/3, इसको ऐसे लिखना है। अब देखो इतने वाले पार्ट को हम लोग पूर्ण वर्ग बनाएंगे। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या नियम बताया था हमने कि x² का गुणांक 1 होने चाहिए, तो 1 तो ऑलरेडी पहले ही से। ठीक है, फिर इसके बाद देखो x के गुणांक का आधा करते हैं, तो x का गुणांक आधा करेंगे तो कितना आएगा, देखो 1/3 का आधा करना। ठीक है, 1/3 का आधा करेंगे हम लोग, तो ये आएगा 1/2 × 3 आ जाएगा, मतलब 1/ कितना आ जाएगा 6। तो 1/6 का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, इतना हमें जोड़ना है और इतना ही घटाना है, तो ध्यान से देखना क्या करेंगे, ये हटा देते। ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे, ये जगह देखो dx/ 1/√3 और आया था। ठीक है, पहले और अंडर रूट के अंदर देखो इंटीग्रेशन। ठीक है, dx/ अंडर रूट में इसको लिखेंगे माइनस, ठीक है, x² - x/3। ठीक है, हमने बताया था कितना, 1/6 का होल स्क्वायर जोड़ देंगे और 1/6 का होल स्क्वायर घटा देंगे, और प्लस यहाँ पे। ठीक है, और ये आ जाएगा स्टूडेंट देखो यहाँ पे थोड़ा ये। ठीक है, और ये प्लस का आएगा 2/3, यहाँ पे स्टूडेंट देखो ब्रैकेट लगेगा 2/3, एक यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, ऐसे ब्रैकेट लगेगा, ये आएगा हमारे पास 1/√3 और ये जगह देखो dx/ अंडर रूट के अंदर। ठीक है, तो माइनस, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास, ये देखो ये फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला बनेगा। ठीक है, x - 1/6 का होल स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट देखो ये माइनस अंदर कर दो। ठीक है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 1/36। ठीक है, और 2/3, तो अब देखो यहाँ पे देखो लासा 36 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, देखो लासा समान वन करने के लिए, ठीक है, ऊपर नीचे 12, 12 + 36, ठीक है, 12 से गुणा कर दो ऊपर नीचे। ठीक है, तो ये जगह 1/√3, ये जगह देखो dx/ अंडर रूट में। ठीक है, अब ये वाला पोर्शन देखो पहले लिख लो। ठीक है, इनको इनको सबको सॉल्व करो। देखो ये आएगा हमारे पास 24 - 25, 25 / हमारे पास आएगा 36 माइनस, और ये आएगा हमारे पास x - 1/6 का होल स्क्वायर आ जाएगा, इतना आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब देखो इसको और थोड़ा कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये आएगा देखो 1/√3 और dx/ आ जाएगा अंडर रूट में। ठीक है, 5/6 का होल स्क्वायर माइनस, और ये आ जाएगा देखो स्टूडेंट x - 1/6 का होल स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, तो यहाँ पे 1/√3 फॉर्मूला लगेगा a² - x², तो ये होता है साइन इनवर्स x/a, तो x - 6 x - 1/6 अपॉन में 5/6 प्लस c, तो यहाँ से सॉल्व कर लो देखो लसा लेके, तो 1/√3 साइन इनवर्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6x - 1/5 प्लस c, ये आंसर आ गया स्टूडेंट। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करना है। इसके बाद वो स्टूडेंट देखो क्वेश्चन नंबर
14 नंबर ठीक है, तो ये आ जाएगा देखो डी एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन लिखा है स्टूडेंट ठीक है। तो देखो इसको हम लोग कैसे पूर्ण वर्ग बनाएंगे, तो सबसे पहले ऐसे लिख लेते हैं देखो डी एक्स अपॉन, इसको अरेंज करके लिख लेते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको ऐसे लिख देते हैं। अब देखो क्या करेंगे डी एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस ठीक है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा। अब देखो ये वाला इतना वाला पोर्शन ठीक पूर्ण वर्ग बना लेते देखो, तो पूर्ण वर्ग जब बनाएंगे तो देखो क्या आ जाएगा डी एक्स अपॉन ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट के अंदर 1 माइनस ठीक है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। देखो पूर्ण वर्ग बनाने का नियम बताया था हमने ठीक है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए ठीक है, तो 1 तो ऑलरेडी पहले ही से है। अब क्या करेंगे देखो हम एक्स के गुणांक का आधा करेंगे, एक्स का गुणांक कितना है देखो 1 है, तो 1 का आधा कर लो कितना आएगा 1 का आधा 1 बाई 2 ठीक है 1 बाई 2 आएगा। अब 1 बाई 2 का क्या करना है स्क्वायर करो, 1 बाई 2 का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं और घटा भी देते हैं यहीं पे ठीक है, इतना जितना जोड़ोगे ठीक उतना ही घटाना पड़ेगा, यहाँ पे रूट लगा दे ऐसे करके लगा देते हैं। तो ये पूर्ण वर्ग बन गया ठीक है स्टूडेंट, याद रखना ठीक है एक्स का जितना गुणांक होता है यहाँ कितना है देखो 1 है, 1 का आधा करो कितना आएगा 1 बाई 2, अब 1 बाई 2 का स्क्वायर करके तुम्हें जोड़ना है और घटाना है, तो ये आएगा देखो इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस ठीक है, ये फॉर्मूला लिखा देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स माइनस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस अंदर कर दो प्लस का हो जाएगा 1 बाई 4 आ जाएगा ठीक है स्टूडेंट। देखो तो ये आ जाएगा देखो डी एक्स अपॉन अंडर रूट में अब 1 प्लस 1 बाई 4 माइनस ठीक है एक्स माइनस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। अब इसको देखो सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आएगा हमारे पास डी एक्स अपॉन अंडर रूट में 5 अपॉन 4 का 5 अपॉन 4 आएगा ठीक है माइनस के एक्स माइनस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, ये आ गया ठीक है। अब इसको और देखो सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आएगा हमारे पास डी एक्स अपॉन अंडर रूट में रूट 5 अपॉन 2 का होल स्क्वायर ठीक है माइनस, और ये आएगा एक्स माइनस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये अब फॉर्मूला लगेगा ठीक है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन ए प्लस सी टी लास्ट लेके सॉल्व कर डालो ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स 2x माइनस 1 अपॉन रूट 5 प्लस सी, ये आंसर आ गया स्टूडेंट ठीक है। इसके बाद देखो स्टूडेंट देखो ठीक है, ये अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 लिखा देखो डी एक्स अपॉन अंडर रूट में लिखा है 2x स्क्वायर और प्लस का 3x माइनस का 2, ये क्वेश्चन लिखा है स्टूडेंट ठीक है। तो क्या करना देखो सबसे पहले इसको देखो पूर्ण वर्ग बनाना ठीक है, देखो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहला काम कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बना लो, तो 1 कैसे बनेगा ठीक है यहाँ से कॉमन ले लो 2, तो 1 बाई रूट 2 बाहर कर लेती थी, ये हो जाएगा देखो डी एक्स अपॉन अंडर रूट में ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 बाई 2 एक्स माइनस के 2 बाई 2 ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो 1 बाई रूट 2 ये हो जाएगा हमारे पास डी एक्स अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस के 3 बाई 2 एक्स प्लस माइनस का होगा ठीक है, माइनस का 1 आएगा स्टूडेंट। अब देखो इसको पूर्ण वर्ग बना लेते हैं, तो 1 बाई रूट 2 और ये जगह देखो डी एक्स अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 3 बाई 2 एक्स। अब क्या करना है देखो, अब एक्स के गुणांक का आधा करो ठीक है, इसका आधा कर लो एक्स के गुणांक का आधा करो, देखो कितना आएगा 3 बटे 2 का आधा करेंगे 3 बटे 2 गुणे 2 आ जाएगा मतलब 3 बटे 4 आ जाएगा। अब इतने इसका वर्ग करके जोड़ देते हैं यहाँ पे ठीक है, और इतने ही हम घटा देते हैं प्लस का कितना है सॉरी यहाँ पे माइनस 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये तो हमने पूर्ण वर्ग बना लिया ठीक है, देखो अब क्या करेंगे यहाँ पे ये तो फॉर्मूला लिखा किसका a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 1 बाई रूट 2 ये आ जाएगा हमारे पास डी एक्स अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब x प्लस 3 बाई 4 का होल स्क्वायर माइनस ये जगह 9 बाई 16 माइनस 1, तो 1 बाई रूट 2 ये जगह देखो डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 3 बाई 4 का होल स्क्वायर माइनस,
ये हो जाएगा देखो लासा ले लो यहाँ, ठीक है 25/16 आ जाएगा, ठीक है ये माइनस करना हो माइनस के 16 तो 25 हो जाएगा, तो 1/√2 ये आ जाएगा हमारे पास डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा 5/4 का होल स्क्वायर, ये आ गया स्टूडेंट, ठीक है सॉरी स्टूडेंट देखो यहाँ पे रूट चल रहा था, ठीक है ये रूट चल रहा था, रूट और लगाना पड़ेगा रूट ये आएगा, ठीक है आप क्या करना है स्टूडेंट देखो अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट के अंदर है ठीक है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये आएगा 1/√2, ठीक है ये तो फॉर्मूला था लॉग एक्स, एक्स का मान देखो कितना है एक्स की जगह हम लिख देंगे एक्स प्लस 3/4 फिर प्लस अंडर रूट के अंदर, ठीक है पूरा ऐसे लिख दो जैसे लिखा है, ठीक है ये वाला पूरा पोर्शन, तो एक्स प्लस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस इसको लिख देते हैं 5/4 का होल स्क्वायर, ठीक है 5/4 का होल स्क्वायर और प्लस सी, अब इसको देखो सॉल्व कर लेते हैं तो 1/√2 लॉग ये आएगा हमारे पास लासा ले लो, ठीक है 4x प्लस 3/4 और प्लस फिर आएगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है प्लस 2ab, 2ab करो कितना आएगा 2ab आएगा हमारे पास 2ab आएगा 3x अपॉन में आएगा 2 और प्लस, ठीक है b स्क्वायर मतलब 9/16 माइनस के 25/16 और प्लस c, ये आएगा स्टूडेंट, ठीक है अब क्या करना 1/√2 log 4x प्लस 3 अपॉन में 4 प्लस अंडर रूट में ये आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस के 3x अपॉन में 2 प्लस, ये आ जाएगा देखो यहाँ पे सॉल्व कर लेते, ठीक है ये कितना आएगा ये हमारे हिसाब से माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1, ठीक है क्योंकि 16/16 आ जाएगा, ठीक है यहाँ पे प्लस सी, अब क्या करना है स्टूडेंट देखो यहाँ पे इसको लासा ले लेते, ठीक है देखो तो स्टूडेंट देखो इसको सॉल्व करते, ठीक है और सॉल्व कर लेते देखो 1/√2 लॉग, ठीक है 4x प्लस 3 अपॉन में 4 प्लस इसको ऐसे रखना, ठीक है यहाँ पे 16/16, ठीक अब 16 लासा ले लो तो अंडर रूट में कितना आ जाएगा 16x स्क्वायर और ये जाएगा 48x, ठीक है माइनस के 16 और रूट के अंदर आएगा तो वो 16 प्लस सी, ये आ गया तो 1/√2 लॉग 4x प्लस 3 अपॉन में 4 प्लस, अब देखो स्टूडेंट देखो ऊपर से 16 कॉमन ले लो, ठीक है 16 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस के 3x माइनस के 1, ठीक है और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ये आ जाएगा देखो अपॉन में इसका तो 12 आ जाएगा 4, ठीक है और प्लस सी, अब ये और सॉल्व कर लेते, ठीक है देखो कितना आ जाएगा 1/√2 लॉग 4x प्लस 3 अपॉन में 4 प्लस, स्टूडेंट देखो एक मिस्टेक होगी, ठीक है यहाँ पे एलसीएम लेने में मिस्टेक होगी, ये 16 नहीं होगा, ठीक है 48 नहीं होगा, ठीक है यहाँ पे ये मिस्टेक होगी, ठीक है अब इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं, ये आएगा हमारे पास 24 आएगा, ठीक है यहाँ पे अब इससे कॉमन लो, ठीक है अब कॉमन क्या ले सकते हैं 4 कॉमन ले सकते, ठीक है 4 बार निकाल लो तो 4 और ये आएगा हमारे पास यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 6 यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है ये आएगा स्टूडेंट, ठीक है 4 को बाहर निकाल लो तो 2 अंडर रूट में आएगा, देखो हमारे पास 4x स्क्वायर 3x माइनस 4 टोटल जो आएगा, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है जो टोटल जो एलसीएम आएगा वो आएगा 4, ये याद रखना, ठीक है यहाँ पे टोटल एलसीएम आएगा कितना 4 और प्लस सी, ये आ गया, ठीक है अब देखो इसको और सॉल्व कर लेते हैं, अब यहाँ पे देखो लॉग एम बटे एन फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ये तो ये आएगा हमारे पास 1/√2 log 4x प्लस 3 प्लस अंडर रूट में अंडर रूट से पहले देखो स्टूडेंट देखो यहाँ पे 2 और था, ठीक है 2 अंडर रूट के अंदर, ठीक है अब देखो अंडर रूट के अंदर ध्यान से देखना, ठीक है ये तो इसके अंदर 2 और कॉमन ले सकते हैं, ठीक है यहाँ पे सॉरी यहाँ पे फिर से गलत हो गया, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है 6 था ऑलरेडी, अब यहाँ से अंदर से देखो 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लो तो 2 कॉमन लेंगे तो ये जाएगा 2x स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 2 आ जाएगा और माइनस के ये आ जाएगा लॉग m बाई एन लॉग
चार आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस सी। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लिया हमने, कौन सा, लॉग एम बाई एन इक्वल टू क्या होता है, लॉग एम माइनस के लॉग एन, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज किया। तो पीछे देख लेते, ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है, लॉग एम बाई एन फॉर्मूला लगा दिया हमने, टू कॉमन लोगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिस्टेक लग रही है, टू, ठीक है, अब तो सही और में, ठीक है, यहाँ पे थ्री आएगा, प्लस का आएगा, ठीक है, देख लेते, प्लस का आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये अंदर गुणा कर देते हैं, ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास वन बाई रूट टू लॉग फोर एक्स प्लस थ्री प्लस टू अंडर रूट में टू टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस के टू, और ये आएगा देखो वन बाई रूट टू लॉग फोर प्लस सी। अब इसको सी वन लिख देंगे, ठीक है, ये पूरा अचर में चला जाएगा, इसको लिख देते हैं सी वन, तो वन बाई रूट टू लॉग फोर एक्स प्लस थ्री प्लस टू अंडर रूट में टू टू एक्स स्क्वायर प्लस के थ्री एक्स माइनस के टू प्लस सी वन, ये आंसर आ गया स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद देखो स्टूडेंट, देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 15 था, ठीक है, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर देखो 16 लिखा है, इंटीग्रेशन, ठीक है, डी एक्स अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस के थ्री एक्स प्लस वन, ये लिखा है स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो इसको क्या करना है, सबसे पहले देखो अंदर वाले पार्ट को पूर्ण वर्ग बना लेते, ठीक है, देखो तो ये तो ऑलरेडी पहले से लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस के थ्री एक्स, ठीक है, प्लस। अब देखो स्टूडेंट, देखो जब पूर्ण वर्ग बनाते हैं तो सबसे पहले देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक वन होनी चाहिए, तो वन तो ऑलरेडी पहले ही से है, ठीक है। अब क्या करना है, एक्स के गुणांक का आधा करो, ठीक है, तो थ्री का आधा करेंगे कितना आएगा, थ्री बाई टू आएगा। अब इसका स्क्वायर कर लो, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, थ्री बाई टू का स्क्वायर, इतना यहाँ पे जोड़ देते हैं, ठीक है, और इतना यहाँ पे घटा देते हैं और प्लस का वन कर देते हैं, ठीक है, रूट के अंदर, तो ये आएगा हमारे पास, ठीक है। अब इसको देखो सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन अंडर रूट के अंदर, ठीक है, ये तो फॉर्मूला लिखा देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स प्लस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा देखो नाइन बाई फोर प्लस वन, तो ये आएगा हमारे पास डी एक्स अपॉन अंडर रूट में एक्स प्लस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर, और यहाँ से स्टूडेंट देखो लासा ले लो, ठीक है, ये कितना आएगा, बचेगा हमारे पास माइनस का बचेगा पाँच बटे चार बचेगा, ठीक है, चार इधर आएगा माइनस के नौ होंगे, ये आ गया, ठीक है। अब इसको देखो हम लोग ऐसे लिखेंगे, तो इंटीग्रेशन देखो डी एक्स अपॉन अंडर रूट में एक्स प्लस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर माइनस, इसको लिखेंगे तो वो स्टूडेंट फाइव बाई फोर, तो इसको लिख देंगे रूट फाइव पॉइंट टू का होल स्क्वायर। अब देखो रूट के अंदर लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला होता है सीधा लॉग एक्स, एक्स मतलब ये लिखना, ठीक है, पूरा ये, और प्लस फिर अंडर रूट में पूरा ऐसे लिख दिया था, ठीक है, ये पूरा जो लिखा है लिख दो एक्स प्लस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट फाइव पॉइंट टू का होल स्क्वायर और प्लस सी, ये आ गया, ठीक है। अब इसको दो सॉल्व करके लिख देते हैं, तो ये आएगा हमारे पास लॉग एक्स प्लस थ्री बाई टू प्लस अंडर रूट में ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ये आएगा थ्री एक्स प्लस थ्री बाई फोर माइनस के फाइव बाई फोर प्लस सी, ये आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, सॉरी यहाँ पे नाइन होगा, ठीक है, ये नाइन यहाँ पे हटा देते इसको, ये आएगा नाइन। अब इसको देखो और सॉल्व कर लेते, ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास लॉग एक्स प्लस थ्री बाई टू, तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे लासा ले लेते, ठीक है, इसको यहाँ पे लासा ले लेते हैं टू एक्स और टू एक्स, सॉरी यहाँ पे इसको लिख देते हैं ऐसे, ठीक है, लासा लेके लिखेंगे हम लोग टू एक्स प्लस थ्री अपॉन में टू प्लस अंडर रूट में, ये तो हमारे पास देखो एक्स स्क्वायर प्लस के थ्री एक्स प्लस, ये तो चार बटे चार हो जाएगा, ठीक है, और प्लस सी। अब ये और टू और लासा ले लो पूरे से, तो लॉग ये आ जाएगा, सॉरी टू एक्स प्लस थ्री प्लस टू अंडर रूट में
एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस 1 और अपॉन में आएगा देखो 2 प्लस c। अब फॉर्मूला लगा दो लॉग एम बटी एन, ठीक है, यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लगा दो लॉग एम बटी एम, तो लॉग ये हो जाएगा 2x प्लस 3 प्लस अंडर रूट में 2 पहले आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस के लॉग 2 आएगा, ठीक है, प्लस c। अब इसको लिख दो c1, ठीक है, इसको हम c1 लिख देंगे, तो लॉग 2x प्लस 3 प्लस के 2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस 1 प्लस c1। तो स्टूडेंट देखो ये आंसर आ गया, ठीक है, अब चेक कर लेना आपका आंसर मैच कर रहा होगा। इसके बाद देखो स्टूडेंट देखो अब एक नई टाइप शुरू करेंगे हम लोग, टाइप नंबर है 4, टाइप नंबर 4, ठीक है, इंटीग्रेशन लिखा है px+q अपॉन में ax2 bx+c, ठीक है, रूट के अंदर, ठीक है, और dx ये लिखा है स्टूडेंट, ठीक है। तो इसको सबसे पहले देखो स्टेप में क्या करना है, सबसे पहले हम लोग देखो मानेंगे, माना अंश बराबर हम लोग मानेंगे m d अपॉन dx ऑफ हर, ठीक है, प्लस कैपिटल n। तो अंश यहाँ पे कितना हमारे पास, ठीक है, देखो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है स्टूडेंट, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, तो अंश को ऐसे लिख देंगे px+q बराबर आएगा, ये आएगा हमारे पास m d अपॉन dx ऑफ हर, मतलब हर के अंदर जो लिखा, ठीक है, ये हर के अंदर जो लिखा था ये लिखना है यहाँ पे, ठीक है, तो ax2 bx+c+N, ये आएगा हमारे पास px+q m, और ये आएगा हमारे पास सबको लेना आएगा 2x+b आएगा और प्लस कैपिटल n आएगा, ठीक है, ये आएगा स्टूडेंट, ठीक है। हम क्वेश्चन में आपको बताएंगे कि m और n की कैसे वैल्यू निकाली जाती है, ठीक है, इसको फर्स्ट डाल दो, इसको सेकंड। अब समीकरण एक से आ जाओ, समीकरण एक से वैल्यू चेंज कर दो, देखो तो ये क्वेश्चन हमारे पास चेंज हो जाएगा m 2ax+b+N अपॉन में आएगा, देखो रूट के अंदर ax2 bx+c और dx, ये क्या करना है अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, तो m 2ax+b अपॉन में आएगा, देखो अंडर रूट में ax2 bx+c dx+, और ये आएगा हमारे पास स्टूडेंट, देखो एक मिनट यहाँ पे प्लस, ठीक है, और फिर ये आएगा अलग डिवाइड कर दो, इसको देखो डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा, देखो n अपॉन अंडर रूट में ax2 bx+c और dx ऊपर, ठीक है, ये। तो अब क्या करना है, देखो अब ये वाले पार्ट देखो इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका, ठीक है, कैसे हो जाएगा, इसको हमें टी मानना है, ठीक है, ये डी टी में चला जाएगा तुम्हारा, और ये वाला तुम्हारा टाइप बन गया, कौन सा बन गया, देखो टाइप, ये हमारा टाइप 3 बन गया, ठीक है, टाइप 3 के क्वेश्चन बन गए। देखो इसको और थोड़ा सॉल्व कर देते हैं हम लोग, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, माना ax2 bx+c = t, तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2ax+b और dx = हो जाएगा हमारे पास dt, तो क्वेश्चन चेंज कर लेना, ठीक, m को बाहर कर लेंगे, ऊपर हो जाएगा dt अपॉन नीचे हो जाएगा √t, यहाँ तो आ जाएगा, ठीक, कैप्टन n, और टाइप ये बन जाएगी हमारे पास टाइप 3, ठीक है, टाइप 3 जैसे सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करना, ठीक है, प्लस c। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे m, इसका देखो इंटीग्रेशन 1/√t का इंटीग्रेशन होता है 2√t प्लस, ठीक है, एन टाइप 3, ठीक है, प्लस सी। अब यहाँ पे देखो टी की वैल्यू रख देते हैं, ठीक है, 2m टी की वैल्यू थी हमारे पास ax2 bx+c+N, ठीक है, इसके बाद देखो टाइप 3, ठीक है, प्लस सी, तो ये आंसर आएगा इस टाइप से, ठीक है आपका। तो स्टूडेंट देखो इस पर एक हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इस पर आधारित एक क्वेश्चन बताएं, देखो एक्सरसाइज में कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखो 17, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 17, 17 नंबर लिखा देखो 2x+5 dx अपॉन में अंडर रूट में लिखा देखो x2 + 2x+5, ये क्वेश्चन लिखा है स्टूडेंट, ठीक है। और स्टूडेंट देखो इस टाइप के जब क्वेश्चन पेपर में आए, ठीक है, तो पेपर में पहले तुम्हें चेक कर लेना, ठीक है, कैसे चेक करोगे कि इसको देखो टी मानना, ठीक है, अगर ये वाला पूरा डी टी में चला जाए तो ये प्रतिस्थापन विधि होती है, हम लोग पीछे पढ़ के आए, ठीक है, अगर ये डी टी में नहीं जा रहा है तब ये वाला मेथड अप्लाई करना है आपको, ठीक है, तभी ये वाला मेथड अप्लाई करना है, अगर ये डी टी में चला जाता है तो आप लोग पीछे वाले मेथड में जाओगे, ठीक, प्रतिस्थापन विधि से। तो
तो यहाँ पे देखो इसका हम डिफरेंशिएशन कर लो, ठीक है, माइंड में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कितना आएगा, 2x + 2 आएगा। तो ये तो देखो डी टीम जा नहीं रहा, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मानना पड़ेगा, ठीक है। देखो तो हम लोग मान लेते हैं, माना 2x + 5 = 2, ठीक है, ये आ जाएगा देखो हमारे पास एम डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x + 5 + N प्लस के कैपिटल एन, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x + 5 = एम 2x + 2 और प्लस का एन आ जाएगा, ठीक है, ये इसका डिफरेंशिएशन कर लेना, ये आएगा। अब यहाँ से देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, और तो 2x + 5 = आ जाएगा हमारे पास एम 2mx + 2m + n। अब क्या करो, दोनों तरफ गुणांक की तुलना कर लो, ठीक है, दोनों तरफ x तथा अचर पथ, ठीक है, यहाँ पे सॉरी अचर पथ के गुणांकों की तुलना करने पर, गुणांकों की तुलना करने पर, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, देखो इधर देखो x का गुणांक कितना है, 2m है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2m है, तो लिख लेते, ठीक है, 2m = आ जाएगा, इसको ऐसे लिख देते, तो यहाँ से आ जाएगा देखो 2m = आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो कितना है, अच्छा है हमारे पास इस तरफ है 2m + n = ठीक है, इधर देखो कितना अच्छा है, 5 है, लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, 5। तो यहाँ से m की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है, और m की वैल्यू यहाँ रख देते 2 × 1 + N = 5। तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 5 - 2, कैपिटल n आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा, ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। स्टूडेंट देखो अब ये वैल्यू रखेंगे हम लोग, देखो इसको समीकरण 2 डालना, ठीक है, इसको डालना समीकरण 1। अब समीकरण 2 में वैल्यू रख देते, समीकरण 2 से आ जाएगा हमारे पास, लिखा था देखो समीकरण 2 से 2x + 5 = एम की वैल्यू थी 1, और इसका देखो अपकरण लिख देते 2x + 2 प्लस कैपिटल एन, देखो कैपिटल एन की वैल्यू कितनी थी 3 यहाँ पे, ठीक है, ये कैपिटल एन है यहाँ पे, सही से लिख देते कैपिटल एन, ठीक है, की वैल्यू 3 है, 3 रख देते 3, ठीक है, स्टूडेंट देखो चेक कर लेते 3, ठीक है, सही है। अब ये वाली वैल्यू एप्स का करना, 2x + 5 की वैल्यू हम लोग देखो समीकरण 1 से, ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण 1 से, 1 से हम लोग देखो वापस कर देते, ठीक है, यहाँ पे 2x + 5 की वैल्यू रख देते, तो ये आएगा हमारे पास इंटीग्रेशन, इसकी वैल्यू रख दो 1 2x + 2 + 3 अपॉन में अंडर रूट में आ जाएगा x² + 2x + 5, ये आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो डिवाइड कर दो अलग अलग, ठीक है, और dx, अब इसको क्या करना, अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, 2x + 2 अपॉन में अंडर रूट में x² 2x + 5 और dx प्लस, ये आ जाएगा देखो हमारे पास 3 अपॉन अंडर रूट में x² + 2x + 5 और dx, इतना आ जाएगा, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट देखो इसमें टी मानना, ठीक है, हमने पीछे बताया था, अभी इसको टी मान लो, माना x² 2x + 5 = t, तो यहाँ से देखो डिफरेंशिएशन कर लो, 2x + 2 = जाएगा dt/dx, तो ये आ जाएगा 2x + 2 dx = dt आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है। क्वेश्चन देखो चेंज कर लेते हैं, तो ऊपर हो गया dt/नीचे हो जाएगा √t, ठीक है, प्लस अब 3 तो बार ही कर लो इसका, ठीक है, इसका 3 बार कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास dx/√x² 2x + 5, ठीक है स्टूडेंट देखो ये। अब इसमें देखो यहाँ पे t नहीं रखना है, ठीक है, याद रखना है, ये हमने t जो माना है, ठीक, इसमें माना है, ये पहले वाले समाकलन में माना है, ये गलती ना करना, ठीक है, क्योंकि इसमें नहीं मानेंगे, इसमें देखो इसमें नहीं मान सकते, क्योंकि dt में कन्वर्ट नहीं होगा, ये तुम्हारा टाइप बन गया थर्ड टाइप का, ठीक है, ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन बन गया। अब इसको देखो पूर्ण वर्ग बना लेते हैं, तो इसका देखो इंटीग्रेशन कर लो पहले, 1/√t का इंटीग्रेशन 2√t प्लस ये आ जाएगा 3, इसको देखो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम इसको ऐसे लिख देते, ठीक है, देखो x² + 2x + तो यहाँ पे देखो x² का गुणांक तो एक पहले ही से ऑलरेडी, ठीक है, आप क्या करना है यहाँ पे
एक्स के गुणांक आधा करो, ठीक है, एक्स के गुणांक आधा करेंगे, दो का आधा करेंगे कितना आएगा वन, तो वन का स्क्वायर यहाँ पर जोड़ दो, वन का स्क्वायर घटा दो, प्लस फाइव ये आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, इसको हटा देते तो वो ये आ जाएगा हमारे पास टू, रूट की वैल्यू रख दो, ठीक है, रूट टी, टी की वैल्यू रखना, टी की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर टू एक्स प्लस फाइव, ये आ जाएगा प्लस थ्री इंटीग्रेशन, ठीक है, डी एक्स अपॉन अंडर रूट में, ये तो होल स्क्वायर लिखा था, वो किसका लिखा, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये लिखा है, ये कितना बचा देखो प्लस फोर बचेगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास टू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव प्लस थ्री, ये जाएगा डी एक्स अपॉन अंडर रूट में, ये आएगा देखो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर, ठीक है, अब यहाँ फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये आएगा टू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर टू एक्स प्लस फाइव प्लस थ्री, देखो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, तो ये होता है लॉग, तो पहले लिखेंगे लॉग एक्स, एक्स मतलब एक्स प्लस वन और प्लस, ठीक है, अंडर रूट में, अंडर रूट में पूरा ऐसे लिख दिया जाता है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस सी, ठीक है, अब इसको देखो रूट को और सॉल्व कर देते हैं, सो ये आंसर आ जाएगा आपका टू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर टू एक्स प्लस फाइव और प्लस थ्री लॉग एक्स प्लस वन अंडर रूट में आएगा, देखो हमारे पास इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, एक्स स्क्वायर ये आएगा टू एक्स प्लस फाइव आ जाएगा रूट के अंदर, ठीक है, और प्लस सी, ये आंसर आ गया आपका, ठीक है स्टूडेंट, चेक कर लेना, देखो आंसर आपका मैच कर रहा होगा, तो स्टूडेंट देखो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है, और जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन बाकी है, ठीक है, वो अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे।